हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10th क्लास का साइंस का जो 086 कोड का पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर CBSE ने रिलीज़ कर दिया है। सो सारे सैम्पल पेपर CBSE ने सभी सब्जेक्ट्स के रिलीज़ कर दिए हैं। सो वही हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या चेंजेस हैं पैटर्न में। मैंने सोशल साइंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ली है, सो अगर आपने नहीं देखे सो यू कैन चेक आउट दैट। उसमें हमने पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को देखा है, एनालाइज किया है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड सेम हम साइंस में भी करने वाले हैं। सो टाइम 3 आवर्स का है एंड मैक्सिमम जो मार्क्स हैं दैट आर 80। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस में हमें बताया गया है कि 3 सेक्शंस हैं ABC और सभी सेक्शंस को अटैम्प्ट करना और सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना इज़ कंपल्सरी। इंटरनल चॉइसेस भी गिवन है हर सेक्शन में, और सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQ टाइप होंगे, VSA टाइप होंगे, इंसर्शन रीजनिंग होंगे, एंड उनको सिर्फ 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में ही आप आंसर कर सकते हैं, उससे एक्सीड ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर हमें सेक्शन बी के बारे में बताया गया कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और इनको हमें 50 to 60 वर्ड्स में ही करना है, इसको भी एक्सीड नहीं करना है। जो सेक्शन सी है वो 5 मार्कर्स हैं, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और उनकी वर्ड लिमिट 80 to 90 वर्ड्स है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। और 30 क्वेश्चंस इन ऑल हैं। SST में 35 थे और यहाँ पर 30 दिए गए हैं, जिसमें से 20 तो आपके MCQ ही होने वाले हैं, रेस्ट ऑफ द 10 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में डिवाइडेड होंगे। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से क्वेश्चंस को, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए गए हैं। तो पहला तो सिंपल डेफिनेशन आपको पूछा है कैटिनेशन की, तो वो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो 1 मार्क के लिए, 1 सेंटेंस में आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे। देन हाउ डज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस अ पीरियड। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है ये, हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन किसी भी पीरियडिक क्लासिफिकेशन में से, तो वो आपको 1 सेंटेंस में ही आंसर इसका कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें आपके जो हैं, ठीक है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जो थर्ड है इसकी 4 पार्ट्स हैं, तो इन जो 4 पार्ट्स में आपको 1-1 ईच मार्क के दिए हुए हैं, तो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें हमें एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, ठीक है। ये हमें एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताया गया है और पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसमें आपको ये सारा पढ़ के, पहले जो इसका ए पार्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर पूछा है प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड टर्बाइन इज दिस, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट, तो ये भी सिंपली आपको पता ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाई डू यू थिंक मुपंडल इज़ एट एन एडवांटेजेस पोजिशन फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो ये आप इसमें पढ़ोगे तो आपका जैसे इंग्लिश में होता है एक्सट्रैक्ट बेस, तो उसी वे से ये हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है डी पार्ट इसका, बेस्ड ऑन डाटा रिप्रेजेंटेटेड इन ग्राफ बिलो, तो ये जो ग्राफ है इसके बेसिस पे 2 सिटीज़ का हमें ग्राफ दिया हुआ है, एंड हमें जो पूछा गया है कि विच वुड बी आइडियल लोकेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ विंड फार्म एंड वाई, तो वो भी अगर आपने इसको पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है तो आप इसका आंसर भी दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 4th के भी 4 पार्ट्स हैं, तो टेबल हमें एक टेबल बेस न्यू क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हमें पिक्चर बेस एक्सट्रैक्ट बेस दिए, उसके आगे पार्ट्स हैं, अब हमें टेबल भी गिवन है, तो टेबल के आगे हमें 2 टेबल्स गिवन है एंड उनको एनालाइज करके हमें ये आंसर्स को फाइंड करना है, ठीक है। 4 है इसमें से जो सी और डी है उनको हमने MCQ में कन्वर्ट कर दिया है, उनको MCQ में कन्वर्ट कर दिया है, सो MCQ भी हो गया एंड टेबल बेस क्वेश्चन भी हो गया। तो पूरा आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, आपने अच्छे से समझा हुआ है, आपने जो पढ़ा है उसको अपने दिमाग में बिठाया है, क्राम नहीं किया है, तो आप इजीली इसको दे सकते हो आंसर। 5th जो है अगेन MCQ है, उसमें भी आपको ऑप्शन दी गई है, MCQ में भी ऑप्शन है, तो 6-7 सिंपल क्वेश्चंस आपको MCQ में दिए होंगे। 8th भी अगेन MCQ है, 8th में आपको ऑप्शनल इंटरनल ऑप्शन भी है। 9th, 10th अगेन, 11th सारे ऑप्शन MCQ हैं। 12th में पीरियोडिक टेबल से आपको ऐसा क्वेश्चन तो आना ही है जिसमें आपको टेबल बनाकर, पीरियोडिक टेबल बनाकर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो इसमें से आप इसको भी आंसर कर सकते हो और इसमें भी आपको ऑप्शन दी हुई है।
उसके बाद हम आते हैं assertion reason, दो questions आए हैं इससे 13th और 14th दोनों में, और उनके लिए common आपको दिए हुए हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो उसमें से options आपने choose करनी है। 13th में assertion and reason दिया हुआ है, उसको choose करके आंसर दोगे। similarly 14th में भी इसी वे से 1-1 mark के दोनों questions हैं, तो assertion reasoning भी हो गए। तो ये ख़त्म हो गए आपके शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव आने थे, ठीक है। 1st 20 नहीं थे, 1st 14, बिकॉज इन्होंने इसके सब पार्ट्स किए हुए हैं क्वेश्चंस के, तो ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, सबका 1 mark ही। सेक्शन भी जो 3 marks के अब सारे होंगे, तो जो ये तो सेम इनका पैटर्न रहेगा जैसे अभी तक आते थे, तो ये 3-5 marks के वही सेम रहेंगे, तो डिफ़िकल्टी लेवल आगे पीछे हो सकता है। तो 15 जो है सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता ही है इसके बारे में। 16th में भी अगेन आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते, ऐसे केमिस्ट्री में तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स लेकर आपको स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री में आप जितने क्वेश्चंस देखोगे इसी वे से होंगे। और इंटरनल ऑप्शन भी आपको मिली है 16th। 17th में अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एक्स एंड वाई का देकर आगे आपको पूरा क्वेश्चन पूछा है। 18th में भी आप देख सकते हो, काफ़ी ये तो सिंपल है, इसमें भी ऑप्शन उन्होंने फिर भी दिए। तो 19th बायो से आ गया, अगेन 20th भी बायो से आ गया, तो ये हेरिड्रियन एवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आया है। फिर 21st अगेन बायो से क्वेश्चन है, 22nd में आपको फिजिक्स पर ले गए हैं लाइट चैप्टर पे, तो उसके देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो पूरा अच्छे से करना है, 3 marks में आया है। देन 23rd में आपको एक सिचुएशन थोड़ी सी दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी से, सर्किट डायग्राम आपको बनाकर जो भी आपको कहा गया है वो करना है। 24th में देखो अगेन आपको ले गए हैं लाइट चैप्टर पर, ह्यूमन आई पर ले गए हैं आपको, तो इसमें आपको नेम द फिनोमेना करने हैं, इसमें भी एक्स एंड वाई पूछे गए हैं, तो वो आपको बताने हैं और रीज़न बताने हैं। इसमें भी ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। फिर 5 marks पर आते हैं सेक्शन सी में, जिसमें आपको अगेन एक्स वाला ही लिया गया है, तो अगेन केमिस्ट्री में एक्स बहुत इनका फेवरेट है, अगर वो नहीं करना तो अगेन स्टेट द रीज़न्स हैं इसमें, फिर आपको सारे रीज़न्स बताने पड़ेंगे, तो अगर आपको सारे रीज़न्स क्लियर हैं तो वो आंसर अटैम्प्ट कर लो, अदरवाइज़ ये एक्स वाला आप अटैम्प्ट कर सकते हो। वैसे एक्स वाला भी इजी है काफ़ी, तो बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है, अगर रीजनिंग है तो आपको क्लियर होना चाहिए सब कुछ। 26th जो है अगेन केमिस्ट्री में, उन्होंने अब ए बी सी डी ले लिया है, उसके बेस पर सारे क्वेश्चन हैं। 27 डायग्राम पर बेस है, इसमें आपको लेबलिंग दी हुई है और अब से इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेकंड पार्ट जो है प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन बताना है, लेकिन फ्लो चार्ट के वे से, तो फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, ऐसे ही आपको ह्यूमन ब्रेन के लिए भी आ सकता है, यहाँ हार्ट के लिए आया तो वो भी आप फ्लो चार्ट के वे से प्रिपेयर कर लेना, पूरी थ्योरी भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये देखो ना, आपने अगर फ्लो चार्ट के वे से आपने लर्न किया हुआ तो आप यहीं पर डायरेक्टली बना सकते हो, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में कहा है कि फ्लो चार्ट के वे से बताना है, तो आपने अब थ्योरी लिखने नहीं बैठना, आपने फ्लो चार्ट डायरेक्ट बनाना है, और आप लर्निंग भी फ्लो चार्ट से किया करो। 28 देखते हैं, तो सिंपल ये तो रिप्रोडक्शन चैप्टर से बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट। देन इसमें भी ऑप्शन है, तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। 29th में फिजिक्स का सिंपल क्वेश्चन, 1st chapter इलेक्ट्रिसिटी से है, तो सिंपली उसके बेसिस पर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। देन 30th जो है काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो ये लाइट चैप्टर, ठीक है, इससे आपको कहा गया है, इसमें भी ऑप्शन है, तो वो ह्यूमन आई के लिए ऑप्शन है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है वो तो सेम ही है, हर साल ऐसे ही होता है, सेक्शन ए में थोड़ा सा डिफरेंस है, assertion रीजनिंग पर ध्यान देना, और काफ़ी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, आपने देखा सोर्स बेस्ड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, टेबल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो उनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, टेबल में जैसे 4 आगे पार्ट्स थे तो टेबल ही समझ नहीं आया तो वो 4 number आपके चले जाएंगे, तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करो, तो इस सैम्पल पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, इफ़ यू डिड देन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।